हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंकों के उत्तरों को। इस वीडियो में आज हम अध्याय 7 के प्रश्नों को जानेंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपको एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर यहाँ 6 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए थे। ये प्रश्न क्रमांक आपके टोटल यहाँ पर हैं 12, जिनमें से हमने आपको जो है 6 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको बता दिए थे। ठीक है, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है इसका, तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, इससे पिछले वाला, इससे आपको इन प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर मिल जाएंगे और उससे पहले वाले वीडियो में आपको ये विकल्पों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला नया वीडियो आपको जो है नहीं मिल पाएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 12 तक के प्रश्नों के उत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो से। प्रश्न क्रमांक 7वें से हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां हमारा जो अंतिम प्रश्न था पिछले वीडियो में, ये था कि फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने जो था इस नियम को दिया था, और इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि साम्यावस्था की स्थिति में किसी तंत्र में सांद्रता ताप दाब में परिवर्तन कर दिया जाए तो स्वतः ही ऐसी दिशा में अग्रसर हो जाता है जहाँ इन कारकों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें पर, और प्रश्न क्रमांक 7वें में कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं, जैसे दूध, काली कॉफ़ी, टमाटर सॉस, नींबू पानी, और पूछा है कि इनका पीएच मान लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर डाल के प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिख के, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेना है पदार्थ का नाम, पीएच मान, यहाँ पर चाहें तो आप लाइन खींच सकते हैं सीधी। और इसके बाद दूध का जो पीएच होता है वो 6.8 मतलब अम्लीय होता है। कॉफ़ी, काली कॉफ़ी, कॉफ़ लिखा है, काली कॉफ़ी है, काली कॉफ़ी का जो पीएच है वो 5 होता है, ये भी बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है। और जो टमाटर सॉस है उसका पीएच 4.2, ये भी अम्लीय होता है। और नींबू पानी का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है, मतलब यहाँ पर ये सभी जो चीज़ें हैं वो सभी अम्लीय होती हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की, और प्रश्न क्रमांक 8 में जो है प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा है कि निम्न में से कौन से लुईस अम्ल है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लुईस कहते किसे हैं लुईस अम्ल। तो लुईस के अनुसार, लुईस साइंटिस्ट थे जिन्होंने लुईस और लुईस अम्ल और क्षार की परिभाषा जो बताई थी, तो इनके अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं, और जो इनको देते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें अम्ल बताना है। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ग्रहण क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये हमें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। देखिए, तो अतः दिए गए आयनों अथवा यौगिकों में, जो यौगिक आपको प्रश्न में दिए गए हैं, दिए गए आयनों अथवा यौगिकों में Bf3H+ और NH4+ लुईस अम्ल हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं और यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। Bf3 में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गई। H+ में आपको दिख ही रहा है कि उसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, जबकि अब यहाँ पर एक भी नहीं है, इसलिए उसका भी पूरा अष्टक का द्विलक पूरा नहीं है। ठीक है, और NH4+ में भी आप देखेंगे तो इसमें जो है 4×8, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की, और प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा है कि अम्ल संयुग्म में अम्ल क्षार किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, और उनके संयुग्म में अम्ल और क्षार हमें बताना, दिए गए स्पीसीज हैं। ठीक है, प्रश्न में हम आपको बता दें पूरा कि प्रश्न में इस प्रकार की ये जो है स्पीसीज दी गई हैं, और अम्ल क्षार युग्म की परिभाषा पूछी है, संयुग्म में अम्ल क्षार क्या होता है। तो देखिए, अम्ल एवं क्षार के बे युग्म, मतलब अम्ल और क्षार का युग्म होता है बे युग्म, जिनमें केवल एक प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन का मतलब है एक H+ का अंतर होता है, संयुग्म में अम्ल और क्षार कहलाते हैं। ठीक है, या संयुग्म में अम्ल क्षार युग्म कहलाते हैं, ये उसकी परिभाषा। इसके बाद ये प्रश्न में दी गई स्पीसीज हैं जो OH दी थी, CO3 2-, H2-, HNO2, HClO4 और F- CN-, ये प्रश्न में दी हैं। आपको इसका संयुग्मी अम्ल बताना, तो इसका संयुग्मी अम्ल होता है H2O, क्योंकि इसने एक H+ जो है ग्रहण कर लिया। इसका जो संयुग्मी क्षार होगा वो होगा O2-, ठीक है, क्योंकि इसने H+ जो है यहाँ पर दे चुका है। अब यहाँ पर CO3 का जो संयुग्मी अम्ल है HCO3 है, और इसका 7 क्षार नहीं होता, और H2- जो है इसका संयुग्मी अम्ल HS हो जाएगा, इसका क्षार नहीं है।
और एच एन ओ टू है इसका असंयुग्मी अम्ल नहीं है, इसका क्या है संयुग्मी क्षार है एन ओ टू माइनस, और एच सी एल ओ फोर का जो है अम्ल नहीं है और एच सी एल ओ फोर माइनस जो क्षार है, और एफ का जो है जब आपका संयुग्मी अम्ल है इसका क्षार नहीं है, और सी एन जो है एच सी एन इसका संयुग्मी अम्ल है और इसका जो अपोजिट है इसमें कुछ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारणी बना के जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। या आप चाहें तो इनकी अकेली संयुग्मी अम्ल की हेडनाल को और ये जो है आप लिख सकते हैं इतने, और संयुग्मी क्षार डाल के तीन नाम लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसका लिखने का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दसवीं की, और प्रश्न क्रमांक दसवीं में पूछा है कि H2O, HCO3, HSO4- और NH3 ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये कैसे करते हैं, दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, तो हमें क्या बताना है इनके संयुग्मी अम्ल और क्षार बताना है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ से उत्तर डाल के जो है उत्तर लिखना है, ये प्रश्न इस प्रकार से भी दिया हुआ है, आपको देख रहा होगा H2 HCO3 HSO4- और तथा NH3 ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, प्रत्येक के संयुग्मी अम्ल और क्षारक बताइए। देखिए H2O का संयुग्मी अम्ल H3O+ है और OH- संयुग्मी क्षारक है, HCO4- का संयुग्मी अम्ल H2CO3 है और CO3 उसका क्षार है, HSO4 का संयुग्मी अम्ल H2SO4 है और इसका क्षार जो है SO4 2- है, SO4 है आपको SO4 करना है। इसके बाद NH3 का संयुग्मी अम्ल NH4+ और NH2- इसका क्षार है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, एक आप बढ़ा के लिख देते हैं, अगर जो भी योग आपको दिया उसमें एक बढ़ा के लिख देते हैं तो वो अम्ल बन जाता है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को घटा के लिख देते हैं तो वो क्षार बन जाता है। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक दसवीं का उत्तर। इसके बाद आपको हम आते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दसवीं की तरफ, ग्यारहवीं की तरफ, और प्रश्न क्रमांक ग्यारहवीं में पूछा है कि ये स्पीसीज दी हुई है प्रश्न में कि OH, F- H+, BCl3, और उनमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लुईस अम्ल है और कौन लुईस क्षार है, लुईस अम्ल और क्षार हमें पहचानना है। तो आप इस प्रकार से इनका उत्तर लिखेंगे, उत्तर डाल के प्रश्न क्रमांक ग्यारहवीं का उत्तर लिखेंगे, OH एक लुईस क्षार है, और क्यों है, तो यहाँ पर क्योंकि कारण भी दिया हुआ है कि क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान का मतलब है दो इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दान कर सकता है। इसके बाद फ्लोरीन भी एक लुईस क्षार है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म में दान कर सकता है, फ्लोरीन के पास आप देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी आप कहें तो 4 लोन पेयर इसके पास हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक माइनस और आ गया तो 7 तो मैं से होते अंतिम कोश में, एक और आ गया तो 8 हो गए, क्षार है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। अब इस पर H+ लगा है, यह एक लुईस अम्ल है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, BCl3 भी एक लुईस अम्ल है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है और क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12वीं की, और इसमें हमारा पूछा है कि हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सी आयन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उन पर टिप्पणी टाइप के हमें लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको टिप्पणी इसमें लिखना है, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन एक प्रोटॉन है जिसका कुछ कम त्रिज्या होती है, तथा तीव्र विद्युत क्षेत्र होता है, अतः यह अकेले नहीं रह सकता, यह पानी के अणु के एकाके इलेक्ट्रॉनिक मूल्य लेकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं H2O ने H+ ग्रहण किया और H2O3+ बना लिया, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार जल के अणु जुड़ जाते हैं, हालाँकि आपको ये नहीं बनाना है, बनाना हो तो आप बना सकते हैं, अगर आपको जटिल लगे तो आप सिर्फ इतना बनाकर ये छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे हाइड्रोक्सिलाइन की, तो हाइड्रोक्सिलाइन क्या हो जाएगा, आधुनिक खोज बताती है कि H+ जलीय विलयन में पानी के 4 अणुओं के साथ संगठित होकर H9O4+ आयन के रूप में रहता है, इस रूप में, ठीक है, जिसमें H+ चतुष्फलकीय होता है, जिस जो पानी के 4 अणुओं से घिरा रहता है, इसलिए प्रोटॉन को H3O+ और H+ के रूप में दर्शाते हैं। इसी तरह OH आयन 1, 2 या 2 से अधिक H2 अणुओं से संयोग होकर H5O2- H5O3- H7O4- आदि बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलाइन कहते हैं। तो ये थे बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 तक के उत्तर, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल पर, धन्यवाद।